हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने किया बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन, कहा भारत को माना जा रहा है बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर के ग्रोथ का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमिक 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट नई ऊंचाई पर है। यही ट्रस्ट, यही रिप्यूटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर भारत के बायो प्रोफेशनल के लिए होते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो को भारत के बायोटेक सेक्टर के ग्रोथ का प्रतिबिंब माना जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोर्ट रूम से बाहर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, सत्येंद्र जैन को RML हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। पेशी के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलते वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद ईडी उन्हें RML अस्पताल ले गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 13 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो दोस्तों, ईडी की हिरासत से राहत नहीं मिलने के बाद सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। लू के थपेड़ों के लिए हो जाए तैयार, आज इन राज्यों में भीषण गर्मी के आसार। तो दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी ने तांडव मचाया हुआ है। हीट वेव के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं आज भी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य, विदर्भ और झारखंड में लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 11 जून से मौसम फिर से पलटी खाएगा और फिर से इन राज्यों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, वहीं दक्षिण में मानसून की बहार आई हुई है, तो वहीं इस वक्त पूर्वोत्तर में भी मानसून ने छटा बिखेर दी है। दोस्तों, आज सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड में लू की स्थिति बनी हुई है। लोगों को यहाँ गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। यहाँ बारिश अगले 2 दिनों तक संभव नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,240 नए केस दर्ज, लगातार दूसरे दिन लगभग 40% का उछाल। तो दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 32,498 हो गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.08% है। तो दोस्तों, देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.71% पर आ गई है। तो दोस्तों, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.71% पर है। हालांकि पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 3,591 मरीज ठीक हुए हैं, जो नए मरीज की संख्या से आधे से भी कम है। तो दोस्तों, अब तक देश भर में कुल 4,26,40,301 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 2.13% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.31% हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भड़काऊ बयान को लेकर ओबीसी के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में FIR दर्ज। तो दोस्तों, भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई 2 FIR में AIMIM चीफ असरुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल किया गया है। इसी के साथ यति नरसिम्हानंद का भी नाम FIR में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये दोनों का नाम उस FIR में शामिल है जिनमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन दिंजल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी से निकाले गए जिंदल बोले, पार्टी ने देश हित में मेरा बलिदान लिया, सवाल पर नुपुर ने ये कहा। तो दोस्तों, पार्टी जो करेगा ठीक ही करेगा, पार्टी ने मुझे निकालने का फैसला देश हित में लिया है। देश के लिए मोदी और अमित शाह ने इतना कुछ किया है, तो दोस्तों देश के लिए पार्टी को अपना बलिदान भी देना होता है। ये शब्द है भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता नवीन जिंदल
जिंदल के। तो दोस्तों जब जिंदल से बातचीत की गई तब जिंदल ने कहा कि पार्टी जब मुझसे पूछेगी तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे मुझे इस मामले में उकसाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ नवीन जिंदल के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा से भी बातचीत की गई। नुपुर फिलहाल किसी तरह से बचती नजर आई है। इनके सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि नो कमेंट और साथ में कहा मैं अपने बयान बिना किसी शर्त के वापस ले चुकी हूँ। अब मुझे इस बयान के मामले में कुछ भी नहीं कहना है। और दोस्तों पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल सुर्खियों में आए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विवाद को देखते हुए बीजेपी ने 5 जून को इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इनके बयानों से दूरी बना ली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली NCR में अगले साल से कोयले के इस्तेमाल पर लगा बैन, इस वजह से हुआ यह फैसला। तो दोस्तों CAQM ने 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली NCR में औद्योगिक, घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। तो दोस्तों NCR में औद्योगिक इकाइयों में सालाना लगभग 17 लाख टन कोयले का उपयोग किया जाता है, जिसमें अकेले 6 प्रमुख औद्योगिक जिलों में लगभग 14 लाख टन कोयले की खपत होती है। तो दोस्तों CAQM ने 3 जून को जारी एक आदेश में कहा कि कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से PNG बुनियादी ढांचे पर और आपूर्ति वाले क्षेत्र में और 1 जनवरी 2023 से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां PNG आपूर्ति अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ CAQM ने कहा कि अगले साल 1 जनवरी से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंधन के रूप में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, 70वां शतक जमाया, वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बने। तो दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपनी बैटिंग स्किल से सभी को प्रभावित किया है। उन्हें पाक का विराट कोहली कहा जाता है, लेकिन 27 साल के पाक बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तानों की सूची में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों बुधवार रात वेस्ट इंडीज के खिलाफ दाएं हाथ के इस बल्लेबाज बाबर आजम ने अपना 70वां शतक जमाया। उनकी इस पारी की सहायता से पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज पर 5 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की है। तो दोस्तों इस जीत से पाक ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 तक की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनर शाय होप के शतक के दम पर 305 रन बनाए थे। इस स्कोर को पाकिस्तान ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। तो दोस्तों बाबर ने वनडे में दूसरी बार शतकों में हैट्रिक जमाई है। यह उनका वनडे क्रिकेट में यह लगातार 3रा शतक है। पाक कप्तान के वेस्ट इंडीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक शतक ठोके थे। उन्होंने 2016 में शतकों की हैट्रिक जमाई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह बाबर आजम ने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी में मुस्लिमों से लगवाए जय श्री राम के नारे, युवक ने जबरन 3 फकीरों से उठक बैठक लगवाई, लोगों ने गांव के बाहर भी खदेड़ा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोड़ा में 3 मुस्लिम फकीरों से अभद्रता की खबर सामने आई है। यहाँ पर एक युवक ने इनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए इन्हें आतंकवादी भी कहा, इनसे उठक बैठक भी करवाई। तो दोस्तों यह खबर अब वायरल हो रही है। पुलिस का कहना है कि यह फकीर नहीं बल्कि मुस्लिम युवक थे जो फकीरों के वेश में गांव में घूम रहे थे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महीने के आखिरी हफ्ते में लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, अभी से निपटा ले जरूरी काम। तो दोस्तों अगर आपको जून के आखिरी सप्ताह में बैंक से जुड़ा कोई भी काम प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, जून के लास्ट वीक में बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहने वाला है। अगर आपने अभी से प्लान नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 27 जून को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनकी प्रमुख मांगों में हफ्ते में 5 वर्किंग डे और पेंशन संबंधित मुद्दे शामिल है। तो दोस्तों अगर बैंक कर्मचारी 27 जून को हड़ताल पर जाते हैं तो लगातार 3 दिन बैंक का कामकाज नहीं होगा, क्योंकि 25 को चौथा शनिवार और 26 को रविवार होने के कारण बैंकों की छुट्टी है, और तीसरे दिन सोमवार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी बैंक कर्मचारियों ने दी है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।